वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल वूमन राठौर व्लॉग्स में। और गाइज, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कान पकड़ के कि मैं कल व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न ये था कि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग मेरा मेहंदी वाला, उनका संगीत था कल, तो मैं उस संगीत में भी फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाई। अब आज उनकी शादी है, देखते हैं आज अटेंड कर पाती हूँ या नहीं। कल तो मेरी ऐसी हालत थी ना गाइज कि मैं बेड से भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो उसका रीज़न ये था कि मैं मेहंदी फंक्शन में इतना मैंने डांस कर लिया था और इतना मतलब मैं तैयार होके गई। मतलब थोड़ा हो जाता ना कि जब पूरी तरह से तबीयत अगर ठीक नहीं होती है ना, और अगर हम थोड़ा सा भी हमारी लिमिट के बाहर जाके कोई काम कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा ध्यान रख रहे इतना कि जीजा अपना ध्यान रखो और मतलब इस चीज़ को लाइटली मत लो। तो यस, अब से मैं इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेने वाली हूँ। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि टाइफाइड पूरा जले जाता है ना, और उसके बाद भी लास्ट में भी हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते तो वो पूरा वापस आ जाता है। तो पता नहीं कल मेरे साथ क्या हुआ कि कल मैं पूरा दिन बेड से खड़ी नहीं हुई और ना मैं नहाई। अब देख सकते हैं मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में पहने हुए थे। कल पूरा दिन मैं नहाई नहीं हूँ, आज मैं नहाने वाली हूँ। और अब आज देखते हैं कि वहाँ जाना होता है या नहीं। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में एंड तक। मम्मा अभी नहा रहे हैं, अभी बज रही है सुबह के 8 और मैं बैठी थी, बस मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आज सुबह से। और अब मैं सबसे पहले नहाने वाली हूँ और उसके बाद ही मैं कुछ काम दूसरा करने वाली हूँ, क्योंकि नहाते नहीं है ना अगर 12 बजे तक, तो फिर वो पूरा दिन अपना वेस्ट हो जाता है और बाद में सर्दी भी लगती है नहाने में। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं नहाऊँगी और उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो गाइज़, मैं नहा के आ चुकी हूँ और थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ। और सबसे पहले जाएंगे मंदिर और उसके बाद करेंगे खाना वाना, खाएंगे और उसके बाद देखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आज जाना है शादी में, क्योंकि मेरी थोड़ी ऐसे तबीयत ख़राब ही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, प्लान सब लोग किस अकॉर्डिंग बोलते हैं उस अकॉर्डिंग अपन को करना पड़ेगा। और वैसे ज़रूरी है जाना, मेरी खुद की गलती है कल मैं नहीं गई, बट आज तो सोच रखा है वैसे तो अभी तक तो कि जाना ही है। और चलिए सबसे पहले चलते हैं मंदिर और उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। और गाइज, जो लास्ट व्लॉग में जो सबसे अच्छा कमेंट है ना, वो मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ। तो मैं आपके सबके सामने रखने वाली हूँ कि मुझे सबसे अच्छा कमेंट कौन सा लगा। वैसे है ना, मुझे सारे ही कमेंट एक से बढ़कर एक लगे हैं। मतलब मेरे सब्सक्राइबर मेरी इतनी परवाह करते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी इतना सोचते हैं मेरे लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा इतना दिल खुश होता है ना, मैं सबको मेरे घर में ना सबको पढ़वाती हूँ कमेंट। देखो देखो मम्मा, मेरे को ऐसा कमेंट आया, तो दिल से बहुत खुशी मिलती है। तो आज जो सबसे बेस्ट कमेंट है ना, वैसे सारे बेस्ट है, बट जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना, वो मैं अभी स्क्रीन पे मेंशन करने वाली हूँ। एक बार मंदिर जाके आती हूँ और उसके बाद वापस से आपको बताती हूँ। तो गाइज, अभी बज रही है शाम के 4 और मैं सोती होती हूँ। मतलब आज कल रात और आज से मैंने अपनी पूरी नींद पूरी की है ना, सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे क्या इतने दिन से नींद आती नहीं थी तबीयत खराब की वजह से, ना रात को आती थी और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो नींद मैंने पूरी कर ली है और आज मैं काफ़ी सोई हूँ। मैं सोई थी 12:30-1 बजे सोई थी, अभी 4 बज रहे हैं। अभी मैं ऊपर से नीचे उतर के आई हूँ नींद पूरी करके। मम्मा बना रहे हैं दूध मेरे लिए। और मैं अब आपका जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा था लास्ट व्लॉग में, मैं उसका रिप्लाई देने वाली हूँ। मैं सुबह देने वाली थी उसका रिप्लाई, पर ये वाली क्लिप मैं अब शूट कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा जो कमेंट है ना, वो किसका लगा कल वाले व्लॉग में। तो गाइस, सबसे अच्छा कमेंट, वैसे तो सारे ही अच्छे कमेंट थे, लेकिन सबसे अच्छा दिल को छूने वाला कमेंट था ना, वो मुझे मतलब देखते ही एक होता ना एक नज़र में, तो वो था मदन कंवर सोडा का, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। व्लॉग अच्छा था आज का, जीजा इतना क्यूट कैसे यार, इतने अब तो आदत हो गई है आपके व्लॉग देखने की, और क्यों ना हो आदत, आप बनाते ही इतने अच्छे व्लॉग हो, ऐसे ही बनाते रहना जीजा, बोलने का तरीका वगैरह सब अच्छा है। और जनवरी में मैंने जनवरी में देखा था आपको इंस्टा पे, वहीं से फिर यूट्यूब पे, तब से हर व्लॉग पुराने वाले सब देखे हैं मैंने, आई एम बिग फैन। तो मतलब ये जो दो कमेंट्स थे ना इनके, ये देखते ही ना मुझे ऐसा हो गया कि हाँ, ये वाला व्लॉग में अगले व्लॉग में ये वाला कमेंट मैं अगले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो वैसे सारे कमेंट एक से बढ़कर एक है ना, मतलब सबको तो मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकती,
और मुझे सारे कमेंट्स ही एक से बढ़कर एक लगे हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने देखा था ना तो मुझे यही कमेंट दिखा था, इसलिए मैं मेरी स्क्रीन पे ये वाला व्लॉग में ये वाला कमेंट शो कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहना। इससे क्या होता है ना कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँ और थोड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके आऊँ। अभी तो थोड़े इंटरेस्टिंग आ नहीं रहे व्लॉग्स वैसे तो, लेकिन आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ना तो एक दिन इंटरेस्टिंग व्लॉग्स की सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था मदन कंवर सोडा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और बहुत मतलब मुझे सारे कमेंट ही अच्छे लगे हैं, नो डाउट। और अब देखते हैं नेक्स्ट इस व्लॉग में जो अच्छे कमेंट करेगा ना उसका एक सिंगल कमेंट मैं दूसरे वाले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, तो गाइज उसके बाद पापा समोसे लेके आए थे इवनिंग स्नैक्स के लिए, तो फिर समोसे खाए और उसके बाद में मैंने दूसरा काम किया। तो गाइज फाइनली डिसाइड हो चुका है कि हम लोग शादी में जा रहे हैं आज। तो अभी तो बजे आई थिंक 5 बज चुके हैं और आई थिंक 6 बजे 7 बजे तक निकलना पड़ेगा क्योंकि पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। रिसॉर्ट थोड़ा दूर है, यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है, बदाल रिसॉर्ट है जो कि कालवा रोड से भी बहुत आगे है, उस टोल प्लाजा से भी आगे है। तो निकलना थोड़ा जल्दी पड़ेगा और शाम के टाइम ट्रैफिक भी वहाँ ज़्यादा रहता है। तो मम्मा फाइनली हो गया डिसाइड। तो गाइस मम्मा अपनी फ्रेंड से डिस्कस करते हुए कैसे क्या जाना है। तो गाइज है ना, जाने का तो प्लान बन गया है पर मेरे को अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि मैं पहन के क्या जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े ना राजपूती ड्रेसेस फैंसी वाली स्पेशली मैं यहाँ लेके नहीं आई हूँ। मैंने तो सोचा था कि ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो अभी क्या ही करेंगे राजपूती ड्रेसेस का, तो मैं लेके भी नहीं आई। लेकिन अब यहाँ तो इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि मतलब पूछो मत, मेरे ससुराल से ज़्यादा मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ रही है राजपूती ड्रेसेस की। तो देखते हैं क्या पहन के जाएँ क्या नहीं, ऊपर चल के डिसाइड करना पड़ेगा। मेरी अलमीरा ऊपर है और मम्मा की ड्रेस भी मुझे डिसाइड करनी है। तो चलिए गाइस बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। तो गाइस मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं ये रेड वाला मेरा मुकेश का प्योर का सूट है ना, मैं ये वाला पहनने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं। और ये इसका ओढ़ना है और इसके कुर्ते गांच लिया, तो मुझे क्या ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं और मुझे एकदम सोबर लुक चाहिए, इस वजह से मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। बाकी मम्मा कह रही हैं कि है ना ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ऐसे वैसे शादी वाला दिन है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जो बताना कि आपकी क्या राय है इस मामले में, मतलब आपकी राय भी क्या मेरी मम्मी के उससे मैच करती है या फिर मेरी राय से मैच करती है। मैं इसलिए सोबर लुक चाहती हूँ क्योंकि मुझे ना एकदम ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं, है ना मम्मा, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है। सच बताओ। नहीं वैसे तो अच्छा लग रहा है। तो फिर ड्रेस में कोई कमी नहीं तो है। तो फिर क्या बात है जो कि आप मुझसे छुपा रहे हो? छुपा रही तो कुछ भी नहीं हूँ, पर शादी के हिसाब से थोड़ा फैंसी टाइप में होता, ये थोड़ा सिंपल है। तो यार मैं क्या पहनूं मम्मा, वो येलो वाला पहनूं? येलो वाला पहन ले या वो दूसरा वाला पहन ले? दूसरा वाला कौन सा? मैरून, वो भी तो फैंसी है ना। मैरून कौन सा? जो मैंने दिया था। अरे यार वो चुभेगा। कितनी देर चुभेगा? कितनी सी देर लगेगी? गाइस देखते हैं क्या पहनते क्या डिसाइड होता है आज फाइनली। मुझे नहीं लगता कि मैं ये रेड वाला पहन पाऊंगी। तो गाइस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ और मैंने वही सूट पहना है जो कि मैंने आपको बताया था। ये है मेरा प्योर में बना हुआ मुकेश का सूट है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सूट है ये, और ये प्योर में बना हुआ है एकदम ठाकुर जी प्योर में, और ये मैंने मेरी शादी के टाइम ही बनवाया था, पीहर की तरफ से था ये। और आप लोग कमेंट करके बताना मेरा ये वाला सूट कैसा लगा। अब मुझे ज्वेलरी पहननी है, मेरी इयररिंग्स वगैरह जो भी है, मैं रखड़ी शिशुल नहीं पहनने वाली हूँ। तो चलिए गाइस। तो गाइस मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी इसलिए मैंने शूट नहीं किया था, हम लोग निकल चुके थे और अब हम हमारे लेने जा रहे थे मेरे बुआसा हुकुम को, तो जो कि थोड़ा हमसे घर से दूर रहते हैं, तो उन्हें पिक करके हम लोग निकलने वाले थे बदाल रिसोर्ट के लिए। दो प्लाट है जो एक तो बेटा का नाम करा दियो और एक बेटी का, हमने सामने ही तो निकला और एक बार खुद रह रहे हैं ऊपर को देते कि ना एक नीचे कमरे जी बेसमेंट है जो काम बा खोल ले कहीं की बच गई पहले खोलन बा लाइब्रेरी। हां तो बड़ा बेसमेंट पार्लर में क्या होता है।
गाइज ये है मेरे बुआसा का घर और मैं अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि इनकी डॉगी है बहुत डेंजरस। फिर हमने बुआसा को पिक कर लिया था और अब हम लोग निकल चुके हैं। गाइज मैं तो यहाँ इतना शूट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लग रही थी भयंकर वाली सर्दी और मैं शॉल और स्वेटर लाना भूल गई थी जल्दी जल्दी में। आप देख सकते हैं हवा चल रही थी बहुत तेज। मम्मा और तो अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी और इन्हें तो क्या ही चाहिए। फिर मैं थी बिल्कुल अकेली तो मेरे पास कोई हेल्प ही नहीं थी शूट करने वाले की, तो मैं अकेली ही थी शूट करने वाली, तो इस वजह से मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हेरिटेज रिसॉर्ट था ये बदाल रिसॉर्ट, जो कि आप सभी को पता होगा जयपुर वासियों को कि कालवा रोड से थोड़ा आगे पड़ता है ये टोल प्लाज़ा से। और यहाँ बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे, देखने लायक थे और मैंने जो हो सका मैंने रिकॉर्ड किया ही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस चलिए अब हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि ऑलरेडी बहुत